यहाँ पे ये भी 14,000 फीट पे है। यहाँ पे सांस भी थोड़ी चढ़ती है बोलते हुए। ऐदा दासी हो गया जिदा उंगला चोरे ताकर जाता। जेरा कर पुछया सी मैं हाल तेरा, संगाने रंगया तेरा लाल तेरा। तेरिया फिकरा विच लंगया पूरा साल मेरा, चढ़ते सूरज नाले आउंदा सी ख्याल तेरा। न शक होया के दूरिया आन। तो भाई आज आपका फिर से स्वागत है एक नए दिन में, एक नई शुरुआत में। तो हम आज आ चुके हैं पेंगोंग लेक, जो कि काफ़ी फेमस है। यहाँ पर क्या है, हम लोग आए थे रात को, रात को काफ़ी थक चुके थे। 12-1 बजे तक आए थे हम रात को, रात को काफ़ी थक चुके थे। थक के हमने सीधा हट ली थी। हट हमारी सामने है पूरी, हट भी काफ़ी कॉस्टली है यहाँ पे। 4,000 रुपये में 2% ओनली। तो हमने दो हट ली थी, तो दो हट लेके यहाँ पे हमने 8,000 रुपये की दो हट ली, दो हट लेके और बाकी लंच वगैरह जो था बाकी वही था। और अब देखते हैं, सुबह उठे हैं, नहा धो के निकले हैं, वहाँ से आए हैं वॉक करके, और अब निकलते हैं आगे। पेंगोंग का नज़ारा देखते हैं कैसा होता है, और इसके बाद मिलते हैं आपको आगे ब्लॉक में। भाई जैसा कि है, हम लोग आ चुके हैं पेंगोंग लेक। इसका नज़ारा आप ब्यूटीफुल देख ही रहे होंगे पीछे हमारे। जो इसका ये वाटर है, इसका जो कलर है ये बिल्कुल स्काई ब्लू है। आप देख रहे होंगे कि ये देखो पीछे अलग कलर दिखा रहा है, इसके मल्टीपल कलर है। तो ये काफ़ी डिफरेंट चीज़ है यहाँ पर। ये हम जो आ चुके हैं 14,000 फीट की हाइट पर आ चुके हैं। यहाँ पर थोड़ी सी ऑक्सीजन वगैरह का भी दिक्कत है, बट वो हम लोगों को नहीं हुई। बट ये आप पानी क्लियर जी देखिए, बिल्कुल क्लीन वाटर है यहाँ पे, बिल्कुल क्लीन। तो भाई पेंगोंग लेक में काफ़ी मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा। शूट भी करा हमने, फोटो वीडियोस वगैरह काफ़ी बनवाई। अब यहाँ के पानी की ना मैं आपको क्लियरिटी दिखा, क्या क्लियरिटी है यार पानी की, अंडर वाटर सब दिख रहा है। ये देखो इसे कलर देखो पीछे से। तो यहाँ का एंजॉयमेंट लेके हम निकल चुके हैं आगे की तरफ, और आगे निकल के देखते हैं नेक्स्ट सेशन क्या होगा। एक टी-शर्ट में है क्या, यहाँ पे हम शूट करवाते हैं, देखिए फोटोज वगैरह लेंगे और निकलते हैं आगे। तो गाइस ऐसा है कि आप पेंगोंग लेक में काफ़ी एक्टिविटीज़ कर सकते हो, जैसे कि ये एक है ड्राम एक्टिविटी। ये ड्राम एक्टिविटी हमें समझ नहीं क्या है। और अब चलते हैं हमारे चेतक स्कूटर एक्टिविटी। चेतक स्कूटर की टिकट है 50 रुपीज़ हमारे लिए फ्री है। उसको आपको पता ही होगा 3 इडियट में यूज़ किया गया है। आओ यूज़ किए गए हैं बम। इधर से दिखाओ पीछे से, इधर से घुमाओ कैमरा गोल। ₹50 इसकी टिकट है, आप इन्जॉय कर सकते हो इसका पूरा। आइए इधर से आइए, घूमो मेरे हर से आइए। आपका स्ट्रेट करो, बैठ हो रहा है थोड़ा उधर करो। ये आप ड्राम एक्टिविटीज भी कर सकते हो आप, इसमें आप बंदा अंदर आप बाहर रहेगा। आ जाइए। ये भी सेम है। तो
काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का आनंद उठा सकते हैं आप। इधर आ जाए भाई, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का आनंद उठा सकते हैं आप। यहाँ पर 50 रुपीज़ पर एक्टिविटीज़ फीस है यहाँ पर। बाकी मैं आपको सारा डिस्क्रिप्शन, बादलों की तरह ही तो तूने मुझ पे साया किया है, बारिशों की तरह ही तो तूने मुझको भिगाया है। यहाँ पे आप लहंगा एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। लहंगा एक्टिविटी 50 रुपये में, लहंगा एक्टिविटी। तो भाई टाटा बोलने का टाइम हो गया पेंगोंग लेक को। काफ़ी सुंदर जगह है, काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है जो हमारे गॉड ने हमें गिफ्ट की है। आप भी आइए देखिए, बहुत मज़ा, काफ़ी मज़ा। दिखाओ एक बार दोबारा नज़ारा मेरे भाई। तो आओ चलते हैं मेरे साथ घर अपने। आ जा, बस 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 आ जा, आ जा भाई इधर को। तो भाई चलते हैं आगे की तरफ, अपनी गाड़ी में बैठते हैं और निकलते हैं होटल और मौज लेते हैं आगे। भाई निकल चुके हैं पेंगोंग लेक से, बड़ा मजा आया भाई, खूब मजा आया, खूब इंजॉय करा, क्या नज़ारा था देखो भाई, बहुत मजा आया। इसी चीज़ के लिए आया था मैं तुम्हें, मैंने ये चीज़ देख ली, अब कोई दिक्कत नहीं है, आवाज़ नहीं आ रही, चेक चेक कर। तो भाई पेंगोंग से काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी, काफ़ी हालत ख़राब थी। अब आए हैं यहाँ पर 20-25 किलोमीटर बाद एक रेस्टोरेंट दिखा, ज़्यादा है सर। कितना है पेंगोंग से ये? 35 किलोमीटर सर बता रहे हैं, 35 किलोमीटर हैं। अब लंच करते हैं यहाँ पे, देखते हैं हिमालयन और देखते हैं कैसा मजा आता है आगे। गेट बंद करो अर्जुन भाई। तो नहीं लेकर तो भाई वहाँ से लंच करने के बाद अब हम वहाँ से क्रॉसिंग कर चुके हैं कम से कम 30-40 किलोमीटर और अब आ चुके हैं हमारे बर्फ के पहाड़ जो कि कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पर। देखिए आप भाई काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रही है, हाईवे अभी कंस्ट्रक्शन मतलब अभी बन ही रही है, काफ़ी ज़्यादा रोड ख़राब है यहाँ पे। आगे देखो आप स्नो हटा रहा है बुलडोजर, देखो काफी फोर्स में, फोर्स काफी हो चुका है। तो भाई अब जाएंगे कौन सा पास है वर्क, चांगला पास जा रहे हैं हम, और चांगला पास भी एक हाईएस्ट पॉइंट में से एक पॉइंट माना जाता है। वहाँ पहुँच को आपको दिखाते हैं क्या नज़ारा होता है।